बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन दोस्तों के लिए जो भाई परेशान हैं, जिन्होंने सऊदी अरब वाया दुबई जाना है या फिर दुबई का विजिट वीज़ा लगवाया है। एजेंट उनको चक्कर दे रहा है, एजेंसी वाला आज आ रहा है, आपका वीज़ा कल आ रहा है। यानी इस झंझट से जान छुड़ाने के लिए आपको अभी हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरह अपना पासपोर्ट नंबर देंगे और आपका वीज़ा चेक हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। यानी किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत, अपने मोबाइल के अंदर ही आप 2 मिनट के अंदर अपना जो है डाटा, आपका अपना वीज़ा जो चेक कर सकते हैं दुबई का। दुबई का आप अपना वीज़ा कैसे चेक करते हैं, इस वीडियो में हम तमाम डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह हमने अपना विजिट वीज़ा दुबई का चेक करना है। तो जी दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। गूगल सर्च बार में आपने क्या टाइप करना है, गूगल सर्च बार में आपने जस्ट टाइप करना है आई सी ए स्मार्ट सर्विस, ये आपके पास आ गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेबसाइट है इसको आपने ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहाँ जाके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास आपने लॉगिन नहीं करना, ऊपर ही आपने ये 8-9 डॉट हैं, उसके बाद 4-5 लाइनें हैं, लाइनों पे आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। इसको आगे 6-7 ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें पहला वाला ऑप्शन है पब्लिक सर्विस, इसको आप ओपन करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लास्ट पे फाइल वडेलिटी एंड एप्लीकेशन ट्रैकिंग, इन दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से फाइल वडेलिटी इसको आपने ओपन करना है। नेक्स्ट पेज आपके पास ये आ गया है फाइल वडेलिटी का, जीसीसी सिटीज़न। ठीक है, सर्च बाय फाइल नंबर या पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आपके पास पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, दूसरा है आपका वीज़ा। ठीक है, वीज़ा आपने सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आ जाता है पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर आपने देना है अपना। मैं अपना पासपोर्ट नंबर दे देता हूँ, नीचे आ जाता है डेट, जो एक्सपायरी डेट है वो आपने देनी है अपने पासपोर्ट की। ठीक है, मैं दे देता हूँ। उसके बाद नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आ जाता है आई एम नॉट रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ आपने चेक का ऑप्शन लगाना है। ठीक है, चेक का ऑप्शन लगा के नीचे ऑप्शन आ जाता है सर्च का, सच। ठीक है, ये देखें मेरा वीज़ा जो है कंफर्म है, लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास नीचे फाइल नंबर आ गया, हमारा एमरट जो है वेरीफाइड नंबर आ गया है। ठीक है, ये मेरा वेरीफाइड नंबर है, फाइल स्टेटस एक्टिव है, अभी मेरा जो है वीज़ा एक्टिव है, एक्सपायर नहीं हुआ। ये कब से कब तक है, इश्यू डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, ये थी वो तमाम डिटेल जो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी लाजमी, ताकि आप किसी के पास ना जाएं, किसी से अपना वीज़ा ना चेक करवाएं। आप ख़ुद अपने मोबाइल के अंदर 2 मिनट में जस्ट आप चेक कर सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको एजेंट धोखा दे सकता है, एजेंसी वाला धोखा दे सकता है। आप इस पर आप 2 मिनट के अंदर अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।